स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज हिंदी में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी जानकारी हम आपको दे सके हिंदी में। तो आज हम जानेंगे पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा अजीब और उत्सुकता जगाने वाले जानवर के बारे में। तो आज हम जिस जानवर के बारे में बात करने वाले हैं, आप में से काफी लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा, और अगर आप जानते हैं तो भी ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आपकी जानकारी रिफ्रेश हो जाए। तो आज हम जिस जानवर की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्लेटिपस। इस जानवर की ही तरह इसका नाम भी कुछ कम अजीब नहीं है दोस्तों। ऐसा लगता है कि 3-4 जानवरों के कुछ अंग लेकर उन्हें मिक्स करके प्लेटिपस को बनाया गया है। प्लेटिपस की बतख के जैसी चोंच होती है, ये अंडे देता है, इसके झिल्लीदार पैर होते हैं, इसकी पूंछ बीवर की तरह होती है और ऑटर की तरह इसकी खाल होती है। काफी अजीब है। वेल, इसमें और भी कई खूबियां हैं, चलिए देखते हैं। तो दुनिया के काफी लोगों को प्लेटिपस के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में पाया ही नहीं जाता। ये पाया जाता है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में और तास्मानिया में। बाय द वे, तास्मानिया का नाम आते ही मेरे दिमाग में तास्मानियन डेविल की इमेज आ गई। क्या आपके दिमाग में भी? जब ऑस्ट्रेलिया से प्लेटिपस का पहला सैंपल ब्रिटेन भेजा गया तो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट जॉर्ज शो को लगा कि ये कोई मजाक है और किसी ने एक चोंच को ऊंट बिलाव के शरीर पर सी दिया है, तो वे उसे उधेड़ कर सिलाई को ढूंढने लगे। वेल, इसमें उनकी गलती नहीं है, प्लेटिपस होते ही ऐसे हैं। जब चोंच की बात चल ही रही है तो हम आपको बता दें कि ये एक चमड़े की तरह होती है और प्लेटिपस इसका इस्तेमाल अपने शिकार को ढूंढने के लिए करते हैं। जब वे पानी में डुबकी लगाते हैं तो अपनी आंखों और अपने कानों को बंद करते हैं और अपनी चोंच में लगे रिसेप्टर्स की मदद से, बाय द वे आपने सही सुना, वे अपने कानों को भी बंद कर सकते हैं। तो वे अपनी चोंच में लगे हुए रिसेप्टर्स की मदद से अपने शिकार के हिलने डुलने की वजह से पैदा हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फॉलो करते हैं और अपने शिकार को ढूंढते हैं। उनका शिकार, जो मोस्टली वॉर्म्स होते हैं या कभी कभी श्रिम्प्स भी होते हैं, वे उन्हें अपने मुंह में भरकर सतह पर लौट जाते हैं। उनके मुंह में दांत नहीं होते, ग्राइंडर्स के जैसी कुछ अरेंजमेंट होती है जो खाने को बारीक पीसता है। और उसके बाद क्या, खाना खाने के बाद खाना पेट में ही जाएगा ना? यहाँ यहीं पर आप गलत हो, प्लेटिपस में पेट होता ही नहीं है दोस्तों। तो अब आप सोच रहे हो कि पेट नहीं होता तो खाने का क्या होता है? वेल, ज्यादातर एनिमल्स और इंसानों को भी पेट की जरूरत ही इसलिए पड़ती है ताकि खाने को पचाया जा सके, और प्लेटिपस का खाना पचने में इतना आसान होता है कि उसे पेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन पेट ना होने की वजह से इन्हें दिन में 12 घंटे तक खाते रहना पड़ता है। एक साथ खाएंगे तो रखेंगे कहाँ? प्लेटिपस एक दिन में अपने वजन का 30% तक खाना खाता है, लेकिन फिर चर्बी कहाँ जमा करें? अरे भाई, पूंछ है ना, प्लेटिपस की पूंछ में उसकी चर्बी जमा होती है और इसकी सेहत का अंदाजा इसकी पूंछ को देखकर लगाया जा सकता है। पूंछ का इस्तेमाल वे तैरते समय नेविगेट करने के लिए करते हैं, और फीमेल प्लेटिपस अंडों को स्टोर करने के लिए भी पूंछ का इस्तेमाल करती है। लेकिन इसकी पूंछ को हाथ लगाने की गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि इसके पिछले पंजे में जो नाखून होते हैं वह जहरीले होते हैं। वेल, अब तक कोई इंसान तो नहीं मरा, लेकिन कुत्तों के मरने की खबरें जरूर आई है। कुत्तो, प्लेटिपस के सामने मत नाचना। तो साइंटिस्ट ने प्लेटिपस को किस कैटेगरी में रखा है? तो ये जहरीले हैं, इनकी मादा अंडे देती है, मतलब साफ है ये रेप्टाइल है। नो, तो फिर इनके झिल्लीदार पंजे होते हैं और चोंच भी होती है, तो ये पक्षी है? नो, ये मैमल्स हैं। ये मोनोट्रिम प्रजाति में से हैं जो इवोल्यूशन के दौरान मैमल्स में गर्भाशय का विकास होने के पहले ही उनसे अलग हो गए थे। तो ये मैमल्स हैं, तो फिर ये अपने बच्चों को दूध पिलाते होंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, प्लेटिपल्स के निपल्स ही नहीं होते, तो फिर उनके बच्चों को पोषण कैसे मिलता है? वेल, बच्चे पोषण के लिए अपनी माता के स्किन के पोर्स में से निकलने वाले लिक्विड को चाटते रहते हैं। तो प्लेटिपस आमतौर पर 12 साल तक जिंदा रहते हैं। प्लेटिपस वॉर्म्स का और श्रिम्स का शिकार करते हैं, तो उनका शिकार कौन करता है?
सांप, बाज, उल्लू और कभी कभी मगरमच्छ भी। तो अब आप प्लेटिपस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद।